सभी किसान भाइयों को दे, जैसे आप देख सकते हो ये 5055E जॉन डियर का है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे डिटेल में, तो आप हमारे साथ बने रहना। तो क्योंकि ये ट्रैक्टर हमने आज तक कभी कवर नहीं किया था, तो इसलिए मैं आज इसका रिव्यू कर रहा हूँ। 2013 मॉडल है, थोड़ा चला हुआ है क्योंकि 2013-14 में ही आया था ये मॉडल। उसके बाद जॉन डियर ने 5310 निकाल दिया, बिल्कुल सेम ट्रैक्टर वही है, लेकिन इसके थोड़े से जो स्पेसिफिकेशन है वो बदल गए। जैसे कि इसमें रोटरी पंप दे दिया, इसकी डीजल खपत 4 लीटर 1 घंटे के अंदर फुल लोड के अंदर, और इसके अंदर आप साइलेंसर पर आप देख सकते हो इसमें जाली मिल जाती है, जिसे बोल देते हैं हीट गार्ड प्लेट, जिससे किसान का कोई किसी भी हिस्सा हाथ लग जाए तो उसे कम से कम इम्पैक्ट हो किसी भी चीज़ का। और टर्बो मिल जाती है इसमें, कोलर शिफ्ट गियर बॉक्स V3 के साथ मिल जाता है ट्रैक्टर। और इस ट्रैक्टर का जो खपत है वो डीजल कम 5310 से कम है इसकी डीजल खपत। और इधर आप देख सकते हो इसमें पीटो रिवर्स भी मिल जाती है, रिवर्स पीटो वगैरह, और पीटो उसका इंडिपेंडेंट क्लिच अलग मिल जाता है इसमें। अलग से आपको ये सस्पेंडेड क्लच है इसका, ये इसमें यूज़ करना नहीं होता। और इसके सस्पेंडेड क्लच ब्रेक दोनों साइड मिलते हैं, जिससे कि ये कार जैसा परफॉर्मेंस करता है और कम से कम किसान को थकान होती है। तो जैसा आप देख सकते हो इनके पास ट्रैक्टर चार है, एक महिंद्रा 575, महिंद्रा B275 है, एक 495 है। इस ट्रैक्टर को कभी भी नहीं बेचना चाहते क्योंकि इनका एक लकी ट्रैक्टर है, इसे खड़ा भी करना चाहते हैं। और ये ट्रैक्टर एक अभी लेगा है, जो कि मैंने आपको कल एक वीडियो में आप देखना देखा होगा आपने, 3600 हॉर्स पावर में EN। तो इन्होंने भी एक हफ्ता भी हुआ ट्रैक्टर को लिया हुआ है। ट्रैक्टर की चलाते कितना, 200 बीघी ज़मीन का लगभग कवर करते हैं। इन्होंने 3 दिन के अंदर 48 घंटे छोटा ट्रैक्टर चला लिया, तो इनकी देख सकते हो अभी कितना ट्रैक्टर को चलाते होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो हीट गार्ड प्लेट मिल जाती है, ठीक है, और किसान के पैरों को कम से कम हीट दे। जॉन डियर में सभी ज़्यादा ट्रैक्टर में हीट गार्ड प्लेट आती है, ताकि किसान के पैरों को कम से कम गर्मी लगे और किसान लॉन्ग टाइम तक ट्रैक्टर को यूज़ कर सके, ठीक है। और इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हो टायर बड़े मिल जाते हैं, 16-28 के साथ, आगे टायर 6-50-20 के मिल जाते हैं, जो आपके 5310 में मिलता है टायर को साइज़ वही मिल जाता है, ठीक है। और इधर देख सकते हो इसके जो चालों की, जो टायरों की चाल होती है उन्हें एक समान करने के लिए इधर मिल जाता है लीवर, ठीक है ना, इसको आप पैर दबा करके पैर से एक समान चाल कर सकते हो। इसके अंदर 3 गियर फॉरवर्ड 1 गियर रिवर्स मिल जाता है, प्लस पार्किंग ब्रेक जिसे बोलते हैं हम हैंड ब्रेक, वो इसमें मिलता है। आपको इधर ही करके लगाना होगा, इधर करने के बाद हट जाएगा, इधर करके इसका हैंड ब्रेक लग जाता है ट्रैक्टर का, ठीक है ना। और आपको मैं इसकी स्टार्टिंग और उसके प्राइस बताऊँगा, ठीक है ना। 13 मॉडल है, इन्होंने देख सकते हो ट्रॉली भी जो बनवा रखी है इस ट्रैक्टर की, वो बड़ी बनवा रखी है, और वो भी उसकी ट्रॉली है ये, जिसे बोलते हैं हम पावर ट्रॉली बोल सकते हैं, प्रेशर वाली। तो इसमें देख सकते हो हिच कितना हैवी मिल जाता है, और ये एडजस्टेबल आप अपने अकॉर्डिंग से आप बाहर या भीतर कर सकते हो। देख सकते हो इसमें इसमें 2 बार और बाहर और भीतर की साइड इसमें कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, 1 बार और अंदर की साइड कर सकते हो अगर आप इसे छोटा करना चाहते हो, ठीक है ना। उसके लिए टंकी छोटी करनी पड़ेगी आपको, इससे अंदर नहीं करना, इससे बाहर भी साइड कर सकते हो और भी ज़्यादा। तो आपको ट्रैक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पर मुझे इसके बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, मुझे कमेंट में बतानी ट्रैक्टर क्या अच्छा लगा और ट्रैक्टर के अंदर क्या आपको अच्छा लगता है इस ट्रैक्टर में, या किसके पास है कि क्या इसके अंदर बेनिफिट है, क्या इसमें लूज़ पॉइंट है। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें लीवर नंबर प्लेट लगाने के लिए अलग से प्लेट भी दी गई है। तो इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हो 3000 rated RPM दिखा रखी है मीटर में, डिजिटल के साथ एनालॉग मिल जाता है, 3618 घंटे ट्रैक्टर चला हुआ है, और न्यूट्रल का भी इसमें गियर है, और आप देख सकते हो रिवर्स पीटीओ का और डीजल का इंडिकेटर का सारे के सारे इसमें आपको सेंस मिल जाते हैं। और मैं इसको इस एक्सेलरेट करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। और इस ट्रैक्टर की जो पावर स्टीयरिंग की जो कट है वो देख सकते हो कितना मुड़ता है, आप ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा पावर स्टीयरिंग की कट इस ट्रैक्टर की, ठीक है ना। और इस ट्रैक्टर को हम यहाँ पर से देख सकते हो, इसके अंदर 3 गियर फॉरवर्ड 1 गियर रिवर्स और प्लस पार्किंग ब्रेक भी सही मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक बोलते जैसे उसमें यही मिल जाता है 5310 ट्रैक्टर की तरह, ठीक है ना। और इस ट्रैक्टर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस ट्रैक्टर को, और यहीं से ये बंद भी होएगा, ये बंद हो गया, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो इसमें हाथ के एक्सीलेटर इधर की साइड मिल जाती है, और पैर के एक्सीलेटर बिल्कुल जस्ट नीचे, और लिमिट डिस्क ब्रेक है सस्पेंडेड पैडल के साथ, जो कि कार की तरह बोलते हैं जैसे हम सीधी सी भाषा में। और इसमें किसान को कम से कम थकावट होती है, और डुअल क्लिच में ट्रैक्टर मिल जाता है इधर देख सकते हो, और हीट गार्ड भी मिलते हैं ताकि किसान इसे लंबे समय तक एक साथ ड्राइव कर सके,
और कम से कम पैरों को गर्मी मिले। इधर ए बी सी तीन सेंस में इसमें गियर मिल जाते हैं और इधर हैंड रेस्ट भी मिल जाता है किसान ताकि इसमें रेस्ट कर सके। और इधर इसमें पकड़ के चढ़ने के लिए इसमें ग्रैब हैंडल भी मिल जाते हैं मड गार्ड के ऊपर। और इधर आप देख सकते हो इसमें पी टी ओ लीवर चलाने के लिए अलग से दे रखा है, जो कि आप अलग अलग स्पीड में आप पी टी ओ चला सकते हो इस ट्रैक्टर की। और इसमें ए सी डी सी का लीवर मिल जाता है, आप इधर देख सकते हो, ठीक है ना। और इसी जब भी से स्टार्ट होएगा इसी से ही बंद होएगा, किल स्विच और स्टार्ट स्विच दोनों यही है। इसमें हॉर्न इधर मिल जाता है। और ये 2013 मॉडल है इस ट्रैक्टर को, मैं आपको थोड़ा सा नीचे से दिखा देता हूँ जो उसका रह गया। इसमें अपोलो का टायर है और इसमें टायर जो मिलता है 1628 के टायर आते हैं और जो 5310 में आ रहे हैं अपने वही टायर मिलते हैं। 650-20 के टायर आगे के मिल जाते हैं। और इस ट्रैक्टर में इधर देख सकते हो जॉन डियर की पूरी हर ट्रैक्टर में प्लेट मिलती है बार कोड के साथ। इसमें आप देख सकते हो 49.5 BHP ट्रैक्टर की पी टी मिल जाती है। 55 HP ट्रैक्टर होता है अपना, 2900 CC इंजन टर्बो के साथ। इधर देख सकते हो कोलर, हाँ कोलर साफ्ट V3 जो मिल जाती है इसके अंदर, गियर बॉक्स मिल जाता है। मैं आपको बोनट खोल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, इसी लीवर से इसका बोनट खुल जाएगा ये वन प्रेस के साथ ही। इधर आप देख सकते हो इसके अंदर दो इसके अंदर पंप मिल जाते हैं जिससे आप बोनट को एक साथ आप आसानी से रोक सकते हो। और इसमें देख सकते हो रेडिएटर जो मिलता है ड्राई मिलता है 3 स्टेज, जो कि जॉन डियर की सबसे एक यूनिक बात है। सभी ट्रैक्टर के अंदर ड्राई मिलता है और उसके अंदर इंटरकूलर मिल जाता है जो कि टर्बो को ठंडी हवा देता है। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर होता है 55 HP 29 CC के साथ। और देख सकते हो इस सिलेंसर पर भी हीट गार्ड दे रखा ताकि कोई बच्चा बच्चा हाथ ना लगाए, हाथ कम से कम उसका बचा है और कम से कम जले, क्योंकि गर्म तो ये भी हो जाती है प्लेट भी इसके ऊपर की। और इधर आप देख सकते हो ये डबल पंप मिल जाता है। और इधर तो ये इसका पावर स्टीयरिंग पंप है ये पीछे वाला, और आगे वाला जो पंप आ जाता है इसका वो आता है इसका पीछे जो पी टी वीटो उठाने का होता है तो उसी का आता है, पी टी कह रहा हूँ यार हाइड्रोली जो उठाती है उसके पंप आता है, ठीक है, हाइड्रोली पंप बोल देते हैं। इसके इसका एक पंप मिल जाता है जॉन डियर का, जो कि अपनी सभी ट्रैक्टर में देखा होगा। अभी मैंने कल एक छोटे ट्रैक्टर की वीडियो डाली है, देख सकते हो इधर पीछे खड़ा हो तो उस ट्रैक्टर में मैंने आपको दिखाया था। इसमें टर्बो जो मिल जाती है वो उधर की साइड में, दूसरी साइड को दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ इधर इसका जो पंप का जो ऑयल फिल्टर मिल जाता है उधर मिलता है, और इसमें सेल्फ स्टार्ट मोटर इधर मिल जाती है, और वाटर सेपरेटर इसका इधर मिल जाता है, ठीक है ना, जो कि वाटर को अलग सेपरेट करने के बाद डीजल से, और डीजल जब ट्रैक्टर में जाएगा तो इससे कि हमारी इसकी पंप की लाइफ बढ़ जाती है। और इधर आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे एक्सीलेटर मिल जाती है। इसमें इसमें पंप जो मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट, इसमें अंकल जी जो पंप आता है इसमें इसे रोटरी पंप बोलते हैं ना, तो इसमें रोटरी पंप मिल जाती है। इसकी थोड़ी सी लागत ज़्यादा आती है लेकिन इससे डीजल का खर्चा कम हो जाता है लेकिन इससे, हाँ। तो इसमें आप देख सकते हो टर्बो इधर दे रखी है बिल्कुल साफ थे। तो इसमें अपना डीजल कितना खर्चा आ रहा होगा लगभग एक घंटे में? 4 लीटर, तो बताओ 4 लीटर 55 HP ट्रैक्टर ले रहा है तो कितना, तो 4 लीटर डीजल का खारा बताओ 55 HP ट्रैक्टर कितना कम डीजल है। तो आप ये देख सकते हो इसमें इसमें एक्सल जो मिलता है हैवी मिलता है, बस एडजस्टेबल नहीं मिलता इनका, तो जॉन डियर में जबकि एडजस्टेबल आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इधर मैं आपको पीछे दिखाता हूँ थोड़ा सा, पीछे से मैं आप यहाँ पे इसमें ऑयल डाल सकते हो। इसमें पी टी ओ का जो लीवर होता है, जो उसमें पी टी ओ की जो होता है उसमें ऑयल डल जाता है इसमें। और इसमें पी टी ओ देख सकते हो ये इधर पी टी ओ, इसमें इन्होंने ही चला रखा काफ़ी, अभी ट्रॉली प्रोली काम इससे करते हैं, और काफ़ी बड़ा काफ़ी शानदार ट्रैक्टर लगता है। और लगभग 70 लीटर के आसपास डीजल टैंक होगा इसका, हाँ, तो इसमें वही 70 के आसपास का डीजल टैंक मिल जाता है पीछे फाइबर का। इसमें फाइबर में जॉन डियर इसलिए देता है, इसमें है ना जो मॉइस्चर कम बनता है और जर नहीं लगता, जिससे कि ट्रैक्टर की हमारी लॉन्ग लाइफ बनती है ज़्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है ना। इसकी मैंने आपको आवाज़ सुनवा दी, उस टाइम पे ये 2013 में ट्रैक्टर लिया था उस टाइम पे लगभग इसकी कीमत 6.5 लाख रुपये के आसपास की होगी, ठीक है ना। और इसमें इसमें जो ट्रैक्टर की चाल एक समान करने के लिए इसमें लीवर मिल जाता है, जो ट्रैक्टर हमारा किसी वजह से स्लिप विलिप काट रहा है उसकी जो सीट है वो डिलेक्स मिल जाती है, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। और इधर इसमें देख सकते हो जॉन डियर का कितना बड़ा इसमें फिल्टर मिल जाता है, ये इसके अंदर जो गियर बॉक्स का जो ऑयल होता है उसको फिल्टर करता है, ठीक है। और तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। इधर डायनो मिल जाता है इस ट्रैक्टर में, जो कि इस ट्रैक्टर को बैटरी वैटरी चार्ज करने में काफ़ी हद तक सफिशेंट है। और इसमें जॉन डियर का ही बम्पर लगा हुआ है, देख सकते हो दुर्गा ट्रैक्टर ट्रैक्टर एजेंसी, तो मैं इसको लगा देता हूँ। सिंगल हाथ से लग जाएगा, सिंगल हाथ से ही बंद हो जाता है,
ठीक है। तो ट्रैक्टर कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में लास्ट में बताना ज़रूर प्लीज़। और मेरी वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा करके जाना। जो मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे दिए गए रेड कलर बटन दबा करके और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ये भी मुझे कमेंट में बताना। अच्छी ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक करना चाहते हो तो कर देना, और उसमें मुझे कमेंट में बताना किस लिए कर रहे हो और क्या चीज़ कमी है ताकि मैं आगे को सुधार सकूं। और नहीं तो लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि एक लाइक आपके लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होता है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस देता है आपका एक लाइक, वो हमें ही पता है। तो प्लीज़ थैंक यू इसमें। और इसमें आप देख सकते हो इसमें किसान को पकड़ के चढ़ने के लिए इधर ग्रैब हैंडल के साथ साथ फुट पायदान मिलता है काफ़ी चौड़ा, जिससे किसान आसानी से चढ़ सके। मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग दिखा रही इसकी वो 13 मॉडल की, क्योंकि हमने मानना आज तक कवर नहीं करा था 50-55E, तो इसलिए मैंने आपको इसके पूरा डिटेल में भी रिव्यू बता दिया। और किसान भाई से इसके बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया आपको डीजल खपत। तो थैंक